फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है रियल सुपर हीरो ऑफ बहुकाल सीरीज आईपीएस नवनीत सिकेरा। मुझे नहीं पता मैं कहीं पहिया, आई एम सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस गलत कर दिया हो। बड़ा भारत, तो वीडियो देखते हैं क्योंकि हमने तो ये सीरीज भी नहीं देखी, इससे पता चलेगा क्या है ये सीरीज, और अगर लगा अरे वाह तो हम तो जरूर देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका द बड़ा भारत शो में। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के एपिसोड में एक बड़े खास व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिसको आप खुद ही छोड़ नहीं पाएंगे इस वीडियो के बीच में। पुलिस विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनता के डर को खत्म किया है, उन्हीं में से आज एक व्यक्ति नवनीत सिकेरा से आपको मिलवाने जा रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप, इंस्पिरेशन बिहाइंड आपने देख ली होगी वो वेब सीरीज भौकाल, भौकाल सीजन 1-2, क्रिमिनल जिनके नाम से आज भी थर थर कांपते हैं। मुजफ्फरनगर में क्राइम का पूरा सफाया कर दिया, और इनोवेटर रिफॉर्मर मोटिवेशनल स्पीकर है। आज इनकी लाइफ से कुछ समझेंगे, इनके जीवन के संघर्ष को समझेंगे, कितना आसान है कितना मुश्किल है नवनीत सिकेरा बनना, कौन है नवनीत सिकेरा, इनकी स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी से शुरू करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा परिचय दे दिया कि मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़े वजन के नीचे दब गया हूँ। यह आपकी विनम्रता ना मुझे बहुत प्रभावित करती है क्योंकि मैं इस वीडियो से पहले भी इनसे थोड़ी देर मिला था। पर सबसे पहले कहते हैं कि कॉमन मैन उस दिन सुपरमैन बन जाता है जिस दिन वो अपनी ताकत को पहचान लेता है, जिस दिन वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेता है। आप ऐसे गांव से आए हैं जहां बिजली भी बहुत समय बाद पहुंची है, शायद अभी 2015 के बाद हमारी प्रधानमंत्री की एक योजना के बाद मैंने सुना आपके गांव में बिजली पहुंची है। इतना स्ट्रगल आपने किया आपके गांव में, क्या कभी आपने सोचा था कि आप एक ऐसे सुपर कॉप बन जाएंगे? आपको अपनी स्ट्रेंथ का कब पता लगा? विवेक जी ऑनेस्टली बताऊं, जहाँ पे हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे बड़े ड्रीम्स देखे नहीं जाते हैं। वहाँ पे तो हमारे जो ड्रीम होता है मैक्सिमम ये होता है कि पुलिस में हम अगर भर्ती हो जाएं, दैट इज़ द कांस्टेबल लेवल, या आर्मी में सोल्जर बन जाएं, वी आर डन। क्योंकि उससे बड़ा कुछ देखा नहीं आपने। अनटिल लेस देयर इज सम इंस्पिरेशन, आप कुछ देखो, आप ड्रीम कहाँ से बनाओगे? तो इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि आप जो लोगों को, बच्चों, जो आजकल के बच्चे हैं उनको जो आप ड्रीम दिखा रहे हैं ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि बच्चों को ड्रीम देखना जरूरी है और ड्रीम को कैसे पाना है वो रास्ता चुनना जरूरी है, वो रास्ता आप दिखाने का काम कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, मतलब यही तो गुरु का काम है, गुरु गोविंद दो खड़े, आप गुरु का काम कर रहे हैं। अरे अरे थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। ये एक जो आपकी सुपर कॉप की छवि आपकी बातों में भी दिखती है, एकदम फिट एंड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्पाइन आपकी। अभी आप अर्ली 30s में लगते हैं, देखने में उम्र कितनी है आपकी? हाँ, दैट इज आई एम 80s, नो आई एम 50+। 50+? यस। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैं कैमरा पे पूछना चाहता था आपसे, किसान परिवार में आपका जन्म हुआ और आप 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़े। हंसराज कॉलेज में मैंने सुना एडमिशन के लिए आपको क्लर्क ने वहाँ फॉर्म भी नहीं दिया, हिंदी मीडियम से आप आए थे, क्लर्क ने आपको फॉर्म भी नहीं दिया, सरकास्टिक तरीके से आपको भगा दिया। पहले मैं वहाँ से बात करना चाहता हूँ, हंसराज में एडमिशन नहीं मिला, कैसा लगा आपको? देखिए होता क्या है कि जो आप छोटी जगह से निकल कर आते हैं तो बहुत डरे हुए होते हैं, इतना डर लगता है कि, खासतौर से जो एक डर हिंदी बेल्ट वालों को होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। आप कितने भी स्मार्ट सही, सामने वाले ने अगर एक सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिया तो आपका सारा कॉन्फिडेंस शैटर कर जाता है, ये एक सच्ची बात है। अब जो आपने बात पूछी वो ये थी कि हुआ ये कि 12th मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से किया, हिंदी बेल्ट से किया, यूपी बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड में नंबर बड़े कम आते हैं, तो उसके बाद जो है चारों तरफ जाना शुरू किया कि भाई हम आगे क्या एडमिशन लें, कहीं पे लें, तो बस यही था, 12th कर लिया, कहीं बीएससी करो या बीए करो जाके, दैट इज़ द सिंपल थिंग। तो उसमें मैं जगह जगह भाग दौड़ के कर रहा था, तो मैं छोटा था, मैं ही जाता था यूपी में भी। तो एक बार रात को बस में बैठे, सुबह सुबह आईएसबीटी पहुंच जाते थे, आई मीन रुकने रुकाने की कोई जगह होती नहीं थी, तो रात को बस में बैठ के जाना, सुबह पहुंचना आईएसबीटी पे, बस थोड़ा सा तैयार व्यार होना और निकल गए, पीछे पूछते पाछते दिल्ली के बारे में भी ज़्यादा जानकारी ली। तो वहाँ पे 2-3 कॉलेजेस से मैंने फॉर्म लिए, मिल गए। एक इंसिडेंट थी जिसने वाकई अंदर तक हिला दिया, वो हुआ ये कि
एक कॉलेज में मैं पहुंचा तो मैंने कहा एडमिशन फॉर्म्स यहीं मिल रहे हैं, तो उसने मेरे को देखते ही बोला कहाँ से आए हो, यूपी से बिहार से? तो मैंने कहा यूपी से, तो वो मतलब बजाय कुछ बात बोलने के ही केम आउट, तो कंधे पर हाथ रखे, बोला कि देखो ऐसा है, ये दिल्ली है, यहाँ पे अपने बाप का पैसा बर्बाद मत करो, और कहाँ से आए हो? मैंने कहा सर बताया आपने जहाँ से आया था, बोले अभी कहाँ से आए हो? मैंने कहा ISBT से। उसने मेरे को दो रुपये का सिक्का दिया, कहता है सामने मुद्रिका मिलती है 300 कुछ नंबर, बैठो और वापस वहाँ जाओ, नॉट वेस्ट। तो उसके कहने पर मैं ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ मैं समझ ही नहीं पाया हुआ क्या, लेकिन इतना खराब लगा मुझे कि फॉर्म तक नहीं दिया और 2 रुपये और दे दिए, जैसे मैं भिखारी हूँ, बिजत करके बाहर निकाल दिया। तो जब मैं ISBT जा रहा था सिटी बस में बैठ के, अचानक से जो होता ना आदमी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो रुआसा हो जाता है, आँखों में आंसू निकल पड़ते हैं, आँखों में से आंसू निकल गए और सुबह के रोने लगा। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने समझा शायद ये बच्चा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जीवअप कट गई है इसकी, तो वो आई मदद के लिए कि कुछ मदद कर देते हैं। तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अब उनको क्या बताएं क्या बात है, तो चुपचाप आया। लेकिन हाँ उस दिन मन में एक संकल्प लिया था मैंने, जो 12th के बच्चे जो देख रहे हैं मुझे, मैं आपको बताऊं, उस दिन मन में संकल्प ले लिया था कि अब एडमिशन हंसराज से बेहतर कॉलेज में लेना है। मैंने खुद भोकाल आपकी वेब सीरीज देखी, भोकाल को बहुत व्यूज मिले हैं, बहुत पसंद किया गया। मैंने देखा कि बाकी पुलिस वाले तो कुछ गाली देते थे, आपको मैंने कभी कोई मुंह से गाली देते नहीं सुना, तो क्या आपके मुंह से कभी गाली निकलती थी? मैं जनरली नहीं देता हूं, ऐसा नहीं है कि गालियां देना मुझे आता नहीं है। अब आपको मैं ये कहूं कि मैंने IIT रुड़की से पढ़ाई की हूं, मुझे गाली देना नहीं आता है, तो अभी मुस्कराएंगे। सी इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के को तो रैगिंग में इतनी गालियां सिखा दी जाती हैं कि पूरी जिंदगी फिर उसको नई गालियां सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने भोकाल में देखा था कि एक प्रॉपर्टी के विवाद में आपके पिताजी की काफ़ी इंसल्ट करी एक पुलिस वाले ने, और वो प्रॉपर्टी के विवाद में आपके पास पेपर भी था, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रियल लाइफ में आज आपसे पूछूं, आप एक सुपर कॉप हैं, सुपर हीरो हैं, आज आपको पूरा देश जानता है, और जो बाई चांस में नहीं जानता उसको जानना चाहिए। इन नवनीत से खेरा है, इन्होंने जो काम किया मुजफ्फरनगर में वो आप देखिएगा सीरीज में, आप समझेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज भी वो दर्द है आपके मन में जो पिता की बेइज्जती हुई आपके सामने? क्योंकि बेटे के सामने होना पिता की इंसल्ट बहुत तकलीफ देता है। वो एक टर्निंग पॉइंट था, और वो पहला मेरी लाइफ का, मेरे पिता के लाइफ का, हमारे कजन्स का। उन्हें कागज उठा के मुंह पे मारे थे? हमारा पहला मौका था जब हम पुलिस के ऑफिस में गए थे, पुलिस से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, इट इज फर्स्ट टाइम। और हुआ ये था कि जब मेरे फादर बिल्कुल ही वॉज 59 ईयर्स ओल्ड, रिटायरमेंट के बहुत करीब थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अब जो मुझे ग्रेचुटी वगैरह मिल रही है मैं उसे एक मकान बनवा लेता हूँ। तो उससे पहले गांव में रहते थे या हम लोग किराए के मकान में रहते थे, पूरा परिवार एक कमरे के मकान में रहा है, मेरी सारी पढ़ाई एक कमरे के मकान में हुई है, और इसीलिए मुझे रात में जगने की आदत है क्योंकि दिन में शोर होता था, मैं रात में पढ़ता था। जब वहाँ पहुँचे तो इस वॉज नॉट स्मॉल पीस मिडिल क्लास फैमिली, गाँव देहात के लोग, और वी वर रजिस्टर्ड, एवरीथिंग वॉज ऑन पेपर, बट द वे रूडनेस जिसे कहते हैं पुलिस की, वो भी उनको सोचना चाहिए कि जो इंसान आया है उसके बच्चे साथ बैठे हुए हैं, कम से कम बच्चों के सामने तो इंसल्ट ना करो, ह्यूमिलेट ना करो। एंड बट ही डिड इट। मेरे फादर जब बहुत मतलब जब काफ़ी उन्होंने बुरा भला बोल दिया, तो मेरे फादर ने बड़े उससे कहा कि सर अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ मुझे वर्वेटम याद है, ऐसी इतना अपमान जो उसने किया वो 10 मिनट मेरे जीवन में, एक एक शब्द वर्बेटिम मुझे याद है कि उसने क्या बोला मेरे फादर ने। मेरे सामने पिक्चर चलती है आज भी, वो एक बहुत गहरा दर्द है अंदर दिल के, लेकिन ईश्वर ने बहुत अच्छे से उसको निभाया। तो मेरे फादर ने एंड में ये कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं तो मेरी बेइज्जती मत करो। ऑन दिस ही जस्ट थ्रू दैट पेपर, एनवेलप पेपर्स दिखाए थे, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए बाद में जाकर। और मैं ये आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने कभी बोला नहीं,
मैंने अपनी आंखें इधर उधर देखी कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं आई हेट दिस मैन राइट नाउ. वो एक मोमेंट था एक्सट्रीम नाराजगी का, गुस्से का. फिर उसकी अगली बात यह हुई कि मेरे फादर ने कहा कि आप मेरी ऐसी बेइज्जती ना करो. उसके बाद मेरे अंदर तेजी से गुस्सा आया. उसी वक्त मेरे फादर ने एक बात और कही, मेरा लड़का भी रुड़की से क्लास वन इंजीनियर है. एग्जैक्ट यही शब्द बोले. तो उस पर उस एरोगेंट ऑफिसर का वर्ड्स है, अरे ऐसे इंजीनियर मारे मारे फिरते हैं, हमको धौंस दे रहे हो इंजीनियर बनने की, क्या उखड़ो, समथिंग लाइक दिस. बहुत ही गंदे शब्दों में जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता. खैर हम सब लोग उठ के वहाँ से निकल आए, लेकिन मेरे मन में ये बात बहुत चुभ गई, बहुत ज़्यादा चुभ गई कि इंजीनियर्स मारे मारे फिरते हैं. और उसके बाद क्या हुआ कि दो तीन दिन में मैंने महसूस किया कि मेरे फादर कुछ खा पी नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं. और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि नवनीत, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी अब चलेंगे नहीं ज़्यादा. मैं हक्का बक्का रह गया कि, और सच बताऊँ उस दिन समझ में आया कि ड्रीम्स में और मेमोरीज में अंतर क्या होता है. ही वॉज अ रिटायर्ड पर्सन, पूरी जिंदगी बड़ी इज्जत से जिया था उन्होंने, कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कोई गलती से भी बेइज्जती करते. और जब वो फैग एंड अपने रिटायरमेंट पर आए तो पूरे बच्चों के सामने ऐसे बेइज्जत हुए जिसकी कोई लिमिट नहीं. वही उनको दुख जो था, उनकी सारी मेमोरीज को खत्म कर दिया था उस इंसान ने बच्चे के साथ. और वो इतना बड़ा पेन था कि उससे वो उबर नहीं पा रहे थे. और फिर इस घटना ने मुझे अंदर तक इस तरीके से निचोड़ दिया कि इफ आई हैव टू रिस्पेक्ट माई फादर, अगर इनको अब बेसिकली ही लॉस्ट हिज ऑनर. फिर मेरी अगली जंग थी उनके ऑनर को वापस लाना. आपने उसी से डिसाइड किया कि आप आईपीएस बनेंगे? दैट डे आई डिसाइडेड. मैं मंदिर गया, माता रानी के सामने मत्था टेका. हिम्मत नहीं थी बेसिकली. मैं आपको ऐसे बताऊं कि मैं आईपीएस बन सकता हूं, हिम्मत थी ही नहीं. सी, जब तक आपके आसपास के लोग अच्छा ना करें आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है. नहीं पता था कर पाऊंगा, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों में बैठे बैठे समाओ ये एहसास हुआ कि करना ही है. न पिता का साया नहीं रहेगा तेरे ऊपर, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं रहेंगी तेरे ऊपर, करना ही है. ओह माय गॉड फ्रेंड्स, ये तो कमाल का वीडियो सजेस्ट किया है. इतना मोटिवेशनल और इतना दिल को टच कर रहा है ना. और सोचो जिनके ऊपर ये गुजरी है, मैं तो सुन के मेरे को जिस तरह से मेरे अंदर मतलब दिल में दर्द हो रहा है. और सोच के कि उस पे फादर के ऊपर ऐसे इतना इंसल्टिंग कोई कैसे हो सकता है. और बेटा जिसने ये सब देखा होगा उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, वो बता रहे हैं जिस तरह से. ओ माय गॉड. और देखो उससे अब ही इज अब उनको वो ताकत मिलेगी कि मैंने अपने फादर का ऑनर वापस लाना है. एंड आई एम श्योर, और वो तभी दिख ही रहा है कि ही अचीव्ड इट. तो आई होप कि उनके फादर को भी प्राउड फील होगा. उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी, उसको पुलिस वाले को बताने की कोशिश की थी कि मत सोचो कि हम कोई कम है, मेरा बेटा इंजीनियर है. अगर तुम यहाँ पे पुलिस पे बैठे हुए हो तो मेरा बेटा भी कम नहीं है. पर दैट पुलिस वाला वॉज मेस्ड अप, वो बहुत ही गंदा इंसान था. एंड आई होप इस स्टोरी में वो जरूर बताएं कि उसके साथ कोई एक्शन बाद में लिया गया कि नहीं, उसको नौकरी से निकाला गया कि ये उसके पास जब बने तो उसके पास गए और उसको कोई पनिशमेंट दी या कुछ ऐसा कुछ हो. आई होप कुछ ये जरूर स्टोरी में हो. पर ओ माई गॉड, वेरी मोटिवेशनल, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हार्ट टचिंग. बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है कि ऐसे लोगों से इंटरव्यू हो रही है जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले. और वो डिफिकल्टी भी दिखा रहे हैं. और देखिए काफ़ी अनफॉर्चुनेटली उन्हें ज़िंदगी में बुरे लोग मिले. एक वो बंदा जिसको सिर्फ एक पेपर उठा के देना था, उसको इसी इतनी तकलीफ हो गई. हंसराज है, बैठा हुआ है, एक बंदा आ रहा है वो एप्लीकेशन मांग रहा है, यार तू अपनी एप्लीकेशन दे और आगे बढ़. नहीं वैसे मैं सच बताऊं कि मैंने भी कई बार देखा है कि ये जो बैठे होते हैं कहीं पे भी, जो बैठे होते हैं क्लरिकल वर्क कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, कई बार बड़ा मिसबिहेव करते. मुझे याद है कि मैं भी जब लाइनों में लगती थी मुझे डर लगता था कि मेरे साथ ऐसे ना करें. बट आई बीन वेरी लकी कि मेरे साथ बहुत लोगों ने बहुत प्यार से मुझे बात करते थे. पर कईयों को मैं देखती थी कि इस तरह से लड़कों के साथ बात करें, क्यों भाई तुझे क्या करना है वो करना. मैं कहती कैसे बात कर रहे हैं ये, कि मेरे साथ हाँ बेटा आपको क्या चाहिए बोलते थे. पर जब दूसरों के साथ ऐसे बोलते थे तो मुझे बहुत गंदा लगता. राइट, तो वही है ना, मतलब जो आपने उस कॉलेज ने बंदा रखा था वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. उसको एक एप्लीकेशन देने में तकलीफ हो रही है और क्या बाहर जाके बकवास कर रहा है, वो गलत था. दे रहा है. फिर आप दिखा रहे हैं पुलिस वाला जिसको कोई एटिकेट नहीं है लाइफ में, आराम से एक बुजुर्ग से बात कर रहा है, यार तू शांति से बात कर. तेरी ड्यूटी ये है कि तुम
पब्लिक सर्वेंट है, उनकी सेवा के लिए बैठे हो भाई, पब्लिक सर्वेंट है बंदा, वो आराम से बात कर सकता था बुजुर्ग से, तो इतनी एटिकेट नहीं थी, वो बंदे की प्रॉब्लम थी, ये पुलिस वाला गड़बड़ था जिसको बेसिक उसके माता पिता ने इतनी एजुकेशन नहीं दी थी कैसे बुजुर्ग से बात करते हैं, उसे इतनी भी एजुकेशन नहीं मिली थी, एटिकेट उसके पेरेंट्स ने नहीं थे, उसके पेरेंट ने उसे कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं किया जो ऐसा वो कर रहा है। और उसके बाद अच्छी बात है कि जो भी लाइफ बना था उसके उन्होंने जैसे कह रहे हैं आईपीएस फिर किया, तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन नेसेसरी है कि आपके साथ बुरा हो जिससे आप कुछ अच्छा कर सकें, हर इंसान को ड्रीम रखना चाहिए अच्छा चीज बनने के लिए, क्योंकि अब ये नहीं कहना चाहिए इनके साथ बुरा हुआ इसलिए इनने किया हर, तो ये बुरा होना जरूरी नहीं है, उनकी अनफॉर्चुनेट है कि उनके साथ बुरा हुआ, ये अनफॉर्चुनेट बात है जिससे उन्होंने किया, हर इंसान को अपना गोल रख के वहां पे जाना चाहिए जो उसे जो कार्य में उसे अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो काफी अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब आगे जल्दी से देखेंगे कि क्या आगे पूरा इनकी लाइफ में इनकी स्टोरी क्या है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।